चियावाला प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट मन्त्रीहरूको सूचीमा चियाबारीका खलासी जोन बार्ला सामेल। भारतको इतिहासमा नै पहिलो पटक केन्द्र सरकारको मन्त्रीमण्डलमा डुवर्सको चियाबारीको श्रमिकलाई केन्द्रीय मन्त्री बनाएका छन्। अलिपुरद्वार सांसद जोन बार्ला मोदी मन्त्रीमण्डलमा केन्द्रीय राजमन्त्री बनाइएको छ। सांसद जोन बार्ला मन्त्री हुने खबर आगो सरह फैलिएपछि डुवर्स क्षेत्रका मानिसहरू साथै भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताहरूमा खुसीको माहौल बनेको छ। आज बुधबार साँझ दिल्लीमा राष्ट्रपति भवनको दरबार हलमा उनले राज्य मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। पश्चिम बंगालबाट जोन बार्लाको साथै शान्तनु ठाकुर, सुभाष सरकार, निशित प्रमाणिकलाई पनि मन्त्री बनाइएको छ। ज्ञात रहोस्, गत विधानसभा चुनाव पश्चात जोन बार्लाले उत्तर बंगाललाई पृथक राज्य बनाउने माग गरेका थिए। डुवर्स क्षेत्र चियाबारीले घेरिएको क्षेत्र हो अनि चियावालाकै सरकारमा चियाबारीको खलासीलाई मन्त्री पद दिएको छ, जसले गर्दा उत्तर बंगाल अनि चियाबारीको विकास हुने स्थानीय मानिसहरूले आशा राखेका छन्। आप लोगों में कितना खुशी है और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत खुशी है हम लोग, हमारे अलीपुरद्वार सांसद श्रीमान जोन बार्ला जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मंत्री बनाया है और आज शपथ लेंगे। बहुत ही खुशी का बात है। बस ये हमारे इलाके का किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, सेलिब्रेट तो अभी बस शुरू हुआ, अभी हम लोग पार्टी अपने की है, इसके बाद हम लोग जाएंगे। थोड़ा हम लोग का कार्यकर्ता लोग पैंडेमिक का चलते सब एक जगह जमा नहीं हुआ है, अभी हम लोग जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता और भी जगह सब है, बगान बगान में वहाँ जाएंगे। हाँ, जरूर मिठाई खिलाएंगे। सेलिब्रेशन, एक बड़ी जीत जोन बार्ला जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आलेपुर जिला में 7 का 7 MLA सीट जीता हुआ है, तो एक सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सिर्फ आपको बानाहाट या बार्ला जी के घर में ही नहीं हो रहा है, पूरा अलीपुर के साथ साथ पूरा नॉर्थ बंगाल आज वो नाच रहे हैं, आज झूम रहा है। क्यों? आपको पता होगा कि नॉर्थ बंगाल को जो अभी तक दत्तक पुत्र बनाया गया था, हमेशा सौतेला व्यवहार हो रहा था और जो जनता का आवाज़ था कि नॉर्थ बंगाल को अलग किया जाए, जिसकी आवाज़ को जॉन बार्ला जी ने उठाया, उसके बाद भी केंद्र के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने अपने साथ रखा हमारे सांसद जॉन बार्ला जी को और उन पर भरोसा जताया। और हम आशा करेंगे कि आने वाला जो उत्तर बंगाल का जो भी सपना है, जॉन बार्ला जी के नेतृत्व में ये पूरा होने वाला है। आज द्वार बसी पूरा खुशी है, हम लोग सब खुश है। मंत्री बनने वाला है आपका ही सांसद गांव का आदमी, कैसा लग रहा है? आज हम लोग लखीपुरा का पूरा जितना भी हम लोग मजदूर है, आज हम लोग बहुत ही उत्साहित है कि आज हमारे बगान के सांसद जो है श्री जोन बार्ला जी, आज वो हमारे मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल के उसमें कैबिनेट मंत्री का ये मिल रहा है उनको, तो हम लोग गांव का आदमी सभी बहुत खुश है। अभी चाय बगान से ये पहली बार केंद्रीय मंत्रिसभा में जा रहा है, तो पूरे चाय बगान की ओर से ये कितना अच्छा लग रहा है? ये शायद पहली बार होगा जो कि आज हमारे चाय बगान से कोई एक मजदूर वर्ग से सांसद के बाद में आज वो कैबिनेट मंत्री तक पहुंचा। ये हम लोग का चाय बगान के समस्त जितने भी चाय बगान के बासिंदा है उसके लिए बहुत गर्व की बात है। क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद हम लोग ये रखते हैं कि जो डेवलपमेंट के काम हो हमारे सांसद द्वारा, हमारे जो आज केंद्र का मंत्री मंडल के पद आज वो कुछ देर में अभी वो शपथ लेने वाला है, तो हम लोग का आशा ये विश्वास है कि आने वाला दिन में हमारे चाय बगान के प्रति जो चाय बगान की समस्या है, वो चाय बगान की समस्या को लेके आज हमारे संसद में हो ये बात को उठा के हमारे जल्द से जल्द चाय बगान के समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें, यही हम आशा रखते हैं। आपका नाम? पवन लोहरा। आपके बगान के लेबर? हाँ, बगान के वर्कर हूँ मैं और एक पार्टी की पोस्ट भी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी।